हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगा क्योंकि अक्षय कुमार जी हैं और ये ऑफिशियल ट्रेलर है रक्षाबंधन। वाओ, अमेजिंग टाइटल, कुछ मतलब अमेजिंग होने वाला है। एंड कौन है इसके साथ? आई मीन भूमि भी है, आनंद एल राय है। ओके, सो गाइस, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ये ट्रेलर देखना है और ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला क्योंकि अक्षय कुमार को हमने ऐसी लुक्स में पहले भी देखा। जैसे थंबनेल लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे थंबनेल, यूनिक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते सुप्रिया, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो प्ले। समटाइम्स बीइंग अ ब्रदर इज इवन बेटर देन बीइंग अ सुपर हीरो। ओके, सी स्टूडियोस, मुझे इंतजार कर रही हूं तुम्हारे से शादी करने की, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बहनों के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। बताओ बारात कब लाओगे मेरे घर? जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। इनकी शादी? मेरे को मत बोलो। अच्छा ना, अच्छा लगा। शाम को भी ओके, आपके गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा। 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे। कितने सालों से इंतजार कर रही है तू इस आदमी का? कभी अपनी बहनों की शादी करेगा, कब तेरे से शादी होगी? खुद तो अपनी माँ को वचन देके मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया और मेरे को बना दिया साला जटायू। 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए, 3 महीने 4 महीने डिस्काउंट तो बनता है। वैरायटी लेके आए हो ना, कमीशन डबल बनता है। कौन सा बैंक लूट के लाऊंगा? एक बहन होती तो कुछ कर भी लेता, यहाँ तो 4 हैं। कुत्ते गए हैं बेटा। ओ मेरा काम डन कर दो एक बार दी। ओ मेरा काम डन, मुझे पसंद है लड़का। ये टिकटॉक पर बड़े फेमस होते हैं, मैं शादी करवा दूंगा तेरी इससे। मेरी लुगाई 8 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। रिटायर होने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। 6 महीने तेरे पास, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। अपनी रुकूंगा मैं, और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास। भाई साहब, इस देश के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका दहेज कम पड़ रहा है और बस इस उम्मीद में कि वो छाती ठोक कर उसे विदा कर सके, उसका बाप भाई अपनी हड्डियां गला रहा है। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया। मेरी और इन 3 लड़कियों की किस्मत में कुछ कमी। बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं। जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा। तेरे साथ हूँ मैं। ओके, सो ये काफी अच्छी मूवी है, फैमिली मूवी है ट्रेलर से लग रहा है। और दूसरी चीज, इनमें कोई ना कोई मैसेज है। एंड हर अक्षय कुमार जी की जो मूवीज होती है ऑलमोस्ट कोई ना कोई मैसेज लेके आते हैं ये मूवीज में। और काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, इनको सूट करती है ऐसी एक्टिंग। और जैसे वो करेक्टर बीच में आए हैं लड़कियों के, काफ़ी मतलब इंडियन में ये चीज़ है ना सुप्रिया। और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, फैमिली है और फैमिली के साथ जाके जरूर देखेंगे इसको। और ऐसी मूवीज कम कम बनती है आजकल। और इसमें ये है कि अक्षय कुमार जी की मूवी में मैसेज जरूर होता है और बड़ा जबरदस्त होता है। यस यस यस, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और करेक्टर काफ़ी अच्छे हैं, लड़की के करेक्टर वो जो फैट वाले हैं ना, यूनिक करेक्टर है ना। और बीच में काफ़ी फनी पंचेज भी हैं एंड काफ़ी फिट लग रहे हैं अक्षय कुमार इस मूवी में। और कुछ एक दो करेक्टर नए हैं इसमें ना, हम नहीं जानते उनको, पहले देखा नहीं। और ये मतलब बॉलीवुड है, दिस इज़ बॉलीवुड। और ये कहीं ना कहीं, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मूवीज़ आप अगर देखें कि जैसे कोरिया में भी ऐसी मूवीज़ बनती हैं ना, उनमें भी ऐसा कुछ स्टोरीज होती हैं। मुझे याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम जिसमें मैंने देखा था कुछ, कि देवर वेरी पुअर और लड़का था वो कहीं काम करता था, लेकिन वो थ्रिलर थी। यस, सो ये जो मूवी है ये काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है, काफ़ी अच्छा लगा मैं देख के। बिल्कुल, काफ़ी लगा। एंड ये भी है कि जैसे पूरा वो पूरा बताया कि ये उन्होंने स्टोरी
स्टोरी भी है और ये रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में तीसरे दूसरे घर में ये चीज़ चल रही है और ऑटोमेटिकली वो चीज़ जब मूवीज में आती है तो हम हमारे साथ बड़ा रिलेट कर पाते हैं उन मूवीज के साथ हम लोग ना, तो वो काफ़ी काफ़ी मजा अच्छी आता है। काफ़ी अक्षय कुमार की मूवी हो तो चले ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये भी मूवी बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है और मुझे पता है कि ये फैमिलीज को बहुत पसंद आने वाली है। हाँ। जैसे होते ना घर में पेरेंट्स होते हैं ना, लाइक जिनको सीरियल्स देखने पसंद होते हैं ना, लेडीज़ होती हैं, उनको ये चीज़ें मूवीज़ बहुत पसंद है, हमें बहुत पसंद आई। हमें काफ़ी अच्छा लगा, हम देखना चाहेंगे, डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि है ना। और जो जैसे इन्होंने एकदम मतलब अक्षय कुमार की यही खूबी है कि वो हर करेक्टर में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। मतलब अगर स्टाइलिश बनना है कूल गुड बन जाएंगे, है ना, सिंपल बनना है सिंपल बन जाएंगे। यही तो एक आर्टिस्ट की निशानी होती है। हमने तो बहुत एंजॉय किया इनकी। हाँ, और जैसे मतलब उन्होंने बीच में एक पंच लाइन मारी थी जैसे घर की बेटियों को दहेज देने के लिए जैसे हर फैमिली में भाई फादर स्ट्रगल करते हैं, ये उनकी स्टोरीज है ऑलमोस्ट उनकी, मतलब एक नॉर्मल घर की स्टोरी जो हर एक नॉर्मल घर में कहीं ना कहीं चैलेंज आता है लोगों को, वो वैसी स्टोरी ये कि जैसे कि घरों में चैलेंज आ ही जाता है। यस, मतलब इंडिया में होता है। चलो गाइस, हमें ये बहुत ही जबरदस्त लगा जैसा भी हमने ये ट्रेलर देखा है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अक्षय कुमार जी के फैन है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।